पंजाब दे विच लुटेरियां दे हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होंदे जा रहे हैं। ताज़ा मामला अमृतसर विखे सामने आया है जिथे कि लुटेरियां ने शरेआम लोगों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। दरअसल सरहदी तहसील अजनाला के पिंड जो कुछ चोर वड़े तो उस वेले एक व्यक्ति सुचा सिंह नाम का जो व्यक्ति सी वह व्यक्ति उन्होंने चोरों को फड़न वास्ते गया तो जो चोरों ने वेख्या कि फड़े जाएंगे क्योंकि अगे गली बंद सी तो चोरों ने शरेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी जिस उसनू गोली मार दी गई जो कि इस वेले हस्पताल के जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तस्वीरें तुहानू असीं सांझियां कर रहे हैं अजनाला दीआं ने। तो यह मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल नूं तुसीं इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस मोटरसाइकिल ते तीन नौजवान जिहड़े सवार सन तो इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया सी। चोरी करन तो बाद जो मोटरसाइकिल लैके एक पिंड दे विच वड़े तो उत्थे जिहड़ा है अगे गली बंद सी तो इन्होंने देखिया कि असीं हुण फड़े जावांगे तो उस तों बाद इन्होंने ताबड़ तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दरअसल सुचा सिंह नाम का व्यक्ति जो कि घर के अंदर मौजूद सीगा तो उसने बाहर देखिया कि बाहर कोई रौला पै रहा है तो उसने जिहड़ा है अचानक बाहर आके इन्हों चोरों को फड़न की कोशिश की तो चोरों ने सीधी गोली उसके दागती जो कि उसकी बांह से वजी है तो उस तो बाद जरा है चोर हवाई फायर करते मौके तो फरार हो गए। तो फिलहाल तुम दसना चाहवागे कि वड्डी वारदात जी है अमृतसर विखे वापरी है। अमृतसर के सरहदी तहसील अजनाला की घटना है जिथे कि है वड्डा हादसा वापरिया है जिथे कि लुटेरिया वालों अपनी जान बचाने वास्ते फायरिंग की गई तो लोगों की जान को मुश्किल च पाया गया है। तो तस्वीर तुम असी लगातार साझिया कर रहे हैं सरहदी तहसील अजनाला दियां ने। तो सिविल होस्पिटल दे विच इस वेले वो सुचा सिंह नाम का व्यक्ति एडमिट है तो उसने दसिया कि वो रौला पाउण दे चक्कर दे विच ही बाहर आया सी और उसका मकसद सी कि इन्हां चोरों नूं फड़िया जाए जिन्होंने कि मोटरसाइकिल चोरी किया है। लेकिन अचानक जो उत्थे गोली चलती है तो वह लोग भी सारे डर जाते हैं तो लुटेरे शरेआम फायरिंग करते हुए उतों की फरार हो गए। तो यह घटना तो बाद हुण पंजाब दे विच लुटेरिया के बुलंद हौसले की एक तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके दे नाल जिहड़े ने लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं तो शरेआम फायरिंग करते हैं। तो आम जनता जिहड़ी है जिहड़ी विचारी बिल्कुल आम लोग ने क्योंकि सुचा सिंह तो महज इस करके बाहर आया सी तो उसने सोचा सी कि शायद उस दे नाल कोई हादसा ना हो जाए गली च रौला पै रहा सी तो लेकिन अचानक जिहड़ा है उसनू जिहड़ा है जख्मी कर दिता गया उसनू गोली मार दी गई है। तो इस घटना के जरा है सुचा सिंह बुरी तरीके इंजर्ड होया है तो फिलहाल उसका इलाज जरा है अमृतसर के सरहदी तहसील अजनाला के सिविल होस्पिटल विखे किया जा रहा है। तो इस मामले के कहना परिवारक मैंबर का आओ जानने की कहना सुचा सिंह उसके परिवारक मैंबर का। मेरा नाम सुचा सिंह इदा सर हो जी पिंड सारंगदेव तो जी चोरी करके मोटरसाइकिल लिया ने चोर साढ़े पिंड बाजी हरनाम सिंह दे विच वड़ गए ने कि गली दे विच गली अगों बंद सी फिर वो चोर वापस बैग आ गए ने चोर जिहड़े ने पिंड 'च रौला पै गए चोर 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 मेरे गेट लगे सामने मोटरसाइकिल सुट गए पप्पूलर दी झंगी 'च वो चोर वड़ गए ने मोटरसाइकिल जिहड़ा गा वह गुरदासपुर की आर सी निकली हैगी उन्हां मैनूं गोलियां मारियां ने मैं बेहोश हो गया डिग पिया जी गोलियां दो मारियां उन्हें नहीं मैं भजा नहीं मैं गेट के जो रौला पिया जी मैं गेट के सामने बाहर निकलिया मैं रौला पै गया गल की है बत्ती गई चोरों का नहीं अणपछाते बंद का नहीं मैं पता लगा भी कौन हम कौन है। मेरा नाम भाजी बहू है घटना ये हुई है भाजी पिंड सारंगदेव तो चोर आ रहे हैं चोर जो चोर उतों गली पार करते अगले बने गली जी बंद सी उतों जो चोर वापस मुड़े नाल इन्हों के जिथे गेट आ इन्हों का उत्थे इन्होंने बाहर निकल के वेख्या भी ये बंदे कौन मलक को रहे ने इन्होंने जो वेख्या इन्होंने उन्होंने उस बंदे ने कहा भी सानू मलक साडे वल आउण लगा इन्हू इहदे घरे उन्हें गोलियां मार दित्तियां गोलियां मारते जो गोलियां मार दित्तियां दो वड्डियां वज एक भाजी वजी डबले तो एक वजी मतलब कछ के थलड़े बने नहीं भाजी गोलियां नहीं कटिया हाँ जी पुलिस भाजी आई सी पुलिस कह के वो गई राती भी तेरी जो भी कार्रवाई जी तेरी आपा तेरी करांगे तेरी मोटरसाइकिल जी इन्हां दे घर लगा जिन्हां ने जिन्हां नूं गोलियां वज्जियां जी। तो तुसीं वेख्या कि सुचा सिंह ने खुद इस पूरी घटना
साढ़े नाल सांझा किया है तो उसने दस्सिया कि किस तरीके उसनू गोली मारी गई। लेकिन इस मामले दे विच हुण परिवारक मैंबरां वालों पुलिस से शिकायत दी गई है तो पुलिस दे विच जिहड़ा है एक शिकायत दी गई कि उसनू गोली वजी है। तो फिलहाल जानते हैं कि कहना इस मामले दे विच पुलिस दे अधिकारियों का जो कि इस मामले दे विच कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात सुचा सिंह सन तेजा सिंह बाती हरनाम सिंह पिलड़वाल अपने घर मौजूद सी तो उन्हें उची उची रौला सुनिया कि कोई चोर फट चोर चोर जो बाहर निकलिया तो एक मोटरसाइकिल के मगर एक होर मोटरसाइकिल जा रहा है तो उन्होंने अणछाते व्यक्तियों ने जी गोली चलाती है ये खब्बे डोले से लगी इसे मुकदमा दर्ज करके तो दोषियों की भाल शुरू कर दी है। दोषियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। गोली एक चली बाकी हवाई फैर ये एक गोली लगी है। इस बाबत पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस घटना के तहत 307 का परचा जरा है अनपछाते बंदे ते दर्ज किया गया है जो कि पेशे तो लुटेरे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिरकार लुटेरे ने बेखौफ क्यों, क्योंकि जिस वेले वो किसी का मोटरसाइकिल चुकते हैं तो लोग उसको पिछा करते हैं कि शायद वो अपना मोटरसाइकिल बचा पान। लेकिन जो अगे जाते हैं तो लुटेरिया वालों शरेआम फायरिंग की गई तो यह घटना दिल दहला देने वाली है। हम देखना होगा इस मामले के कदों पुलिस उन्होंने लुटेरिया गिरफ़्तार करती है। लेकिन फिलहाल जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता हुआ सुचा सिंह सामने आ रहा है जिसका कि महज एक कसूर इन्ना सी कि उसने मदद करन दी सोची। उसने सोचा कि जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया है वो उन्होंने फड़ लूगा ताकि जरा है जिस व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी है उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन लुटेरे ने सीधी उसके ऊपर फायरिंग करती जिस दे विच वो जख्मी होया है तो फिलहाल उसका इलाज जरा सिविल हॉस्पिटल विखे किया जा रहा है। लेकिन सवाल हुण पुलिस प्रशासन ते ने कि कदों पुलिस इन आरोपियों को गिरफ़्तार करती है जिद नाल कि दोषी जिहड़े ने सलाखां दे पिछे होणगे तां सुचा सिंह नूं इंसाफ मिल सकेगा। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना ग्रिड पंजाब टीवी अमृतसर।